Hello everyone. So for all those people who have recently cleared the NET examination and also bowl out your NET examination ki tyari kar rahe hain, I think one important thing jo aap sabke dimag mein chalta hai is that ki interview jo assistant professor ke liye hota hai, isme kya pucha jata hai? One of the major queries jo sare candidates ke dimag mein hote hain, because even though you clear the NET examination, ek major hurdle abhi bhi baki hai, which is to clear the interview. Only when you clear the interview, आप finally assistant professor लगते हो किसी भी colleges या universities में. तो what are the major questions? देखिए ऐसे तो बहुत सारे questions पूछे जाते हैं, but दो तीन ऐसे major questions जो मुझसे पूछे गए हैं, मेरे past experience as well as the experience of my students and all मेरे friends जिन्होंने मुझे interviews दिया है, तीन most common areas है जहां से हर जन को questions पूछा जाता है in any interview you go. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखिए, अगर आपके सीवी में, जैसे जब आप जाते हो इंटरव्यू के लिए तो आप इंटरव्यू पैनल को अपना सीवी देते हो, रेज्यूमे देते हो, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आपके सीवी में गैप्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है 5 साल पहले, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 3 साल पहले, बट बाद में 2 ईयर्स तक आपके सीवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप शो कर रहे हो एंड अभी आपने रिसेंटली नेट क्लियर किया. सो ये जो गैप्स हैं आपके सीवी में, सिर्फ 2 ईयर्स 3 ईयर्स जहां पे शायद आपने अपने सीवी में कुछ मेंशन नहीं किया, दैट इज वन मेजर एरिया जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इनफैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन ही शायद वही पूछा जाएगा कि व्हाट डिड यू डू इन द गैप्स व्हिच इज शोइंग इन द सीवी, कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल पहले किया तो बाकी की इस टाइम पीरियड में आपने क्या किया. सो दिस इज वन क्वेश्चन यू हैव टू बी रियली रियली prepared for, ताकि आप वहां पर ऑफ गार्ड ना पकड़े जाए. तो इसका आंसर पहले से ही प्रिपेयर करके जाइएगा इन द इंटरव्यूज. एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यूजुअली जो पूछा जाता है, हम सारे लोग मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो आपकी जो स्पेशलाइजेशन वाली सब्जेक्ट है, विच इज दैट सब्जेक्ट जो आपने स्पेशलाइज किया है, उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करिएगा, उसकी एक बार बुक लिस्ट देख लीजिएगा जो आपने बुक लिस्ट पढ़ी थी, जो आपने नहीं भी पढ़ी थी, प्लीज मेक श्योर यू नो ऑल द लेटेस्ट बुक्स विच हैज बीन रिटन इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उसके अलावा प्लीज ये मेक श्योर कर दीजिएगा कोई रिसेंट रिसर्चेस है, तो आपको ये सारी अपनी स्पेशलाइजेशन में जो भी आपने पढ़ा है उसमें थरा थरा रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि यूजुअली पूछा जाता है टू सी कि आपका होल्ड क्या है आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट में. थर्ड मेजर क्वेश्चन जहां से आते हैं, इट इज देखिए जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करो, एक पर्टिकुलर वर्कलोड होता है कि आपको क्या पढ़ाना है. सो वो पर्टिकुलर वर्कलोड को यू हैव टू कैच ऑन एंड यू हैव टू डू थ्री थिंग्स. सबसे पहले तो आपको पूछा जाएगा वो वर्कलोड का सिलेबस क्या है, लिटरली सिलेबस पूछा जाता है. सो प्लीज मेक श्योर यू गो थ्रू द सिलेबस वेरी वेरी प्रॉपरली, कि आपको सीधा पता हो कि कितने यूनिट्स हैं, किस यूनिट्स के कितने सब टॉपिक्स हैं, किस सब टॉपिक के अंदर क्या आता है. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको क्रैक करना है. सेकंड इंपॉर्टेंट, हर एक यूनिट के लिए कुछ बुक लिस्ट होते हैं, तो प्लीज मेक श्योर यू गो थ्रू द बुक लिस्ट, भाई ये यूनिट के लिए ये स्पेसिफिक बुक लिस्ट है जो आप बच्चों को रेफर करेंगे या जो जनरली यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के थ्रू बोली गई है. थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वहीं से निकल के आता है, दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दैट एरिया जो आपको पढ़ाना है. अगर वो आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ग्रेजुएशन से मैच करते हैं, तो प्लीज मेक श्योर यू रिवाइज ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि सिंस आपको पढ़ाना है, आप वहां की फैकल्टी है, तो दे आर गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन उस स्पेशलाइज एरिया से जो पढ़ाने वाले हो, तो थोड़ा वो भी देख लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, सो दैट अगेन आप वहां पर अगर क्वेश्चन गलत करते हो तो एक खराब इंप्रेशन जाता है, क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ानी है, यू आर नॉट एबल टू आंसर दोज क्वेश्चन, सो वो एक खराब से इंप्रेशन क्रिएट करता है. फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी आप वर्कलोड पढ़ाओगे, अगर उसमें कुछ रिसेंट रिसर्चेस चल रहे हैं, कुछ मान लीजिए रिसेंट डिस्कवरीज हुए हैं, या जनरली मान लीजिए कुछ उस पर कुछ किताबें लिखी गई हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन रिकमेंड, तो थोड़ा ये लेटेस्ट चीजों का भी रिसर्च करके जरूर जाइएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू पैनलिस्ट डू फोकस ऑन दीज एरियाज एज वेल. इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पीएचडी, हैव यू अप्लाई फॉर पीएचडी और नॉट, अगर अप्लाई किया है तो वॉट इज द एरिया विच यू अप्लाई फॉर, आपका टॉपिक क्या है, एंड देन दे आर गोइंग टू जनरली डिस्कस अबाउट द टॉपिक, आपने टॉपिक क्यों लिया था, वट आर द सोर्सेज यू आर गोइंग टू कंसल्ट दिस, एंड अगर आपने पीएचडी अप्लाई नहीं किया तो दे आर गोइंग टू आस्क यू नो वट इज योर फर्दर प्लान, डू यू प्लान टू अप्लाई और नॉट, और अगर अप्लाई करेंगे तो किस एरिया में करेंगे. तो ये सब चीजों के कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको पहले से ही रेडी करते हैं, बिकॉज दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन सारे असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यूज में, तो इनका आंसर पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिए, आपको उससे बहुत फायदा मिलेगा, एंड इट इज गोइंग टू गिव यू एन एक्स्ट्रा एज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स, सिंस आपको पहले से पता रहेगा तो आप ऐसे ऑफ गार्ड ना पकड़ाओगे. एंड ऑल्सो प्लीज बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू, क्योंकि नेट तो आप क्लियर कर चुके हैं, दिस इज जस्ट द गेम टू सी हाउ मच क्लैरिटी यू हैव, हाउ मच हर अंडरस्टैंडिंग यू हैव ऑन द सब्जेक्ट. तो फटाफट से इन चीजों को एनहांस कर लीजिए अभी जब आपके पास टाइम है, एंड रॉक द इंटरव्यू एज ऑलवेज. ऐसी कुछ ट्रिक्स के साथ आई एम गोइंग टू कम इन अदर वीडियोस एज वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.